ऐलान सिर्फ इतना है कि आज की मीटिंग में हमें उस पर इत्मीनान में लिया गया और इस तमाम सूरत हाल के बाद ये फैसला किया गया है कि हम हुकूमत की जो अश्योरेंसेस हैं उसको इस वक्त एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें मौका देंगे। पीपल्स पार्टी पारा खर्चा खत्म थियण खां पोइ बजट में वफाकी हुकूमत के मुकमल सपोर्ट करण ऐं वोट ॾियण जो फ़ैसिलो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सदारत हेठ पीपल्स पार्टी जे पार्लियामानी पार्टी जो इजलास। पार्लियामानी पार्टी जे मेंबरनि खे हुकूमती इख़्तियारनि सां बजट बाबति थियल ॻाल्हियुनि में अगराई बाबति एतिबात में वरितो वियो। शाहजहां मरी ऐं नवीद कमर जो जुमिला हिते इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त बजट में वफाकी हुकूमत खे मुकमल सपोर्ट कई वेंदी। लॉन्ग टर्म मसलन जो हल सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी आहे। अरिड़हीं तरमीम NFC अवार्ड ऐं PISP मनसूबे खे ख़त्म करण जी साज़िश कई वई आहे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मईशत जी तरक़ीअ जो पहिरियों क़दम आहे। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर ठाहिणो आहे त सभिनी खे मशवरो वठिणो पवंदो। अमीर तबिके खे टैक्स नेट में आणण में नाकाम रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो क़ौमी असेंबली जे इजलास में वफ़ाक़ी बजट ते बहसु दौरान ख़िताब। चयाईं चार्टर ऑफ इकोनॉमी ते अमल इतफ़ाक़ राय बग़ैर मुमकिन नाहे। बजट में 70-80% इनडायरेक्ट टैक्स आहे। हर साल महांगाई में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। जेकॾहिं हू गॾिजी वेहंदा त सुठो हल निकिरंदो। नेब जमहूरियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ ऐं सियासतदारनि खे नाकाम कंदड़ इदारो आहे। सदन मंशूर में नेब खे ख़तमु करणु आहे। वफाकी काबीना असम इस्तकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी छी। काबीना नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसी करे छी। वजीर आसम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफाकी काबीना के इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसले की मंजूरी दिनी वही। वजीर आसम जो चवड़ा है असम इस्तकाम ऑपरेशन में अवाम के कें भी किस्म की परेशानी के मुंह न डेण पव। सिर्फ शरपसंद अंसर खिलाफ इंटेलिजेंस पैसिड कार्रवाई कई वी। ऑपरेशन अज़म इस्तकाम जो को सियासी मकसद ना है। ऑपरेशन अज़म इस्तकाम नेशनल एक्शन प्लान जो तसलसल है। ऑपरेशन अज़म इस्तकाम जो मकसद दहशतगर्दी जो मुकम्मल खात्मो है। ऑपरेशन अज़म इस्तकाम बाबत शक पैदा करण मुनासिब ना है। ऑपरेशन अज़म इस्तकाम में इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन थींदा। कुछ ॾींहनि में तरीक़ेकार वाज़े थी वेंदो। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाईं APS सानहे बयात नेशनल एक्शन प्लान समूरनि सियासी पार्टियुनि जे इतफ़ाक़ राय सां जोड़ियो वियो हो। APEX कमेटी जे इजलास में ऑपरेशन अज़म इस्तकाम जो फ़ैसिलो थियो। KP जे वॾे वज़ीर दबियल लफ़्ज़नि में चयो त ऑपरेशन खे सपोर्ट कंदासीं। ऑपरेशन ते ऐवान में इतफ़ाक़ राय पैदा कयो वेंदो। मुतनासिब नुमाइंदे जे सूर खां 30 सीटूं नथियूं ॾेई सघजनि। जस्टिस आयशा मलिक जा सुप्रीम कोर्ट में सुनी ताद काउंसिल जी मखसूस सीटनि बाबति केस जी ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक रिमार्क्स में चयो त हामिद रज़ा खे पार्टी टिकट ते चूंड विढ़ण खां छो रोकियो वियो। इलेक्शन कमीशन इन मामले की तस्दीक करे तो केस नव रुख इख्तियार करे सके तो। जस्टिस मोहम्मद अली मसर जो चमड़ा है तो सुनीताद काउंसिल जो चूंड निशान मौजूद हो पर कें भी उन निशान से चूंडन में हिस्सों न वरतो। चीफ जस्टिस कासिफ फायसी सा चो तो कानून पासे है तो जी नुकता अपीलन में उथारे पायान वो उन ताई महदूद रहंदा। जजिस जो कम कें धुर जो केस ठाण या बिगाड़ ना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हथी ॾियण बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो नज़रियो आहे। पीपल्स पार्टी के चौथों भेरो वॾे मैंडेट सां हुकूमत मिली। गुज़िरे 16 सालनि दौरान पीपल्स पार्टी सिंध में बहितरीन रोड जो ॾियार विछायो आहे। सिंध अॼु कराची खां कश्मोर ऐं किंजर खां कारू झर ताईं हिकु आहे। सिंध जे वर्क्स एंड सर्विसिस ऐं जेल खाते जे वज़ीर अली हसन ज़रदारी जो सिंध असेंबली जे इजलास में बजट ते बहस दौरान ख़िताब। चयाईं सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि तोड़े ॻोठनि में बहितरीन रोड नेटवर्क क़ाइमु कयो वियो आहे। तबाह थियल रोड नेटवर्क खे जंहिं तरह सां वधाए बहितर बणायो उहो मिसाली आहे। स
सखर पेरास गेट नंबर 44 से मुरम्मत कर चुका हूँ। गेट नंबर 47 थी रो है जो भी जुलाई से लगे वो सिंधु दरिया के केंब डैम या केनाल ठाण की सख्त मुखालफत कहीं सिंध के आबपाशी खाते के वजीर द्याम खान शुरू जो सिंध असेंबली में खिताब चवे तो हाँ काफी डैम से कम जारी है जैखा पे अग में आरसी गेट लगे वो उनका बेराज के 8 दिन अंदर फॉल कई वो कुछ ऑफिसर अड़ा जिन भी चून का निंड पूरी ना कई पर आबपाशी अमले से हरू भरू तनकीद कई पी वे जहां न करण घुर्जे काला पाक डैम ठाण जो गाल कई वन थी पर इस साल रिकॉर्ड चेक कर वीहन साल में रुगो बभेरा बोड आई है पानी से नए था जो गाल न कई वन तो उनते खूब राजी न थी सकंदो। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जस्टिस शहजाद अहमद खान ए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज तौर कसम खड़ी वरतो। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बरदारी तकरीब में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जजिस के कसम खणायो। जुडिशल कमीशन टिन्हीं जजन की सुप्रीम कोर्ट में मुकर्ररी की मंजूरी डिनी हुई। जस्टिस शुजात अली खान लाहौर हाई कोर्ट के वक्ती चीफ जस्टिस जो कसम खड़ी वरतो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हलफ बरदारी तकरीब में जस्टिस शुजात अली खान के कसम खणायो। जस्टिस मोहम्मद शफी सिंध हाई कोर्ट के वक्ती चीफ जस्टिस तौर कसम खड़ी वरतो। जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो हलफ बरदारी तकरीब में जस्टिस मोहम्मद शफी के कसम खणायो। कोबे सैद खानवी जो कार इल्ज़ाम हेठ चाची हथा भाइटी कतल कोट गुलाबशाह वेझो जवाबदार डंडाणी बियन वरी की साइमा मक्सी के कतल कर छो। वाके बाद जवाबदार कुर्बान मक्सी फरार खैरपुर नाथन शालक मामली कराता छेड़े में एक जणो कतल एक जख्मी घोट कंडियारा में कलोड़ा बिरादरी की बिंदुरी में मारण की गाल छेड़ो थी पो फारिक में नसीर कलोड़ो नसीर कलोड़ो जख्मी थी पाया जख्मी नसीर कलोड़ो लाड़कान अस्पताल में जख्म जहा सून संदे दमड़ी छो। टंकवाणी के बिन नौजवान के अगवा की तस्दीक थी वही। मुखबी हबीबुल्ला गडानी और हबीबुल्ला गुजरानी के वारसन के धाड़िलन की फोन 30 लाख रुपया भुंग तलब। मुखबी के वारसन जो चवण है तो वह मजदूरी कर घर भातियों को पेच पालींदा। नौजवान के बाजियाब कराए परेशानी खत्म कई वे। करूंडी बरसा दरगाह खुश खेर मोहम्मद हिस्पानी वासी पोरियत कराची में धाड़िलन हथा मुबैना तौर अगवा थी वो। मुखबी के वारसन का भुंग तलब। सजाद अली इस्पानी के वारसन जो चवण है तो डोहारन फोन करे पोरे की आज़ादी एवज 50 लाख रुपया भुंग घुरो। नोटिस वी मुखबी के बाजियाब कराया वे। थुले के मुसाला पातशाह पीबीज के मासूम नीगर बुढ़ी फोत फोती नीगरन में इबरार कलोड़ो ए कुराड़ो चबाली शामिल सिंधन मड़ घर पहुंचाए थे कोहरा मची वो। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में टिन औरतन समेत चैन जणन आबघात कर छो। मलकानी शरीफ वासण नौजवान नारी सीता कोली घर अंदर फाउ खाई आबघात कर छो। पिथोरो में गुलजार पाड़ो वासण शहर में नाग पढ़ल 24 वरन की समीना भील फाउ खाई पंजी जिंदगी जो डियो गुल कर छो। पिथोरो के रामनगर कॉलोनी वासण चैन बार माओ छेमी जाल वीरो कोली भी फाउ खाई पंजी जिंदगी जो अंत आंदो। थारूशाह के हरिपुर मोहल्ले में नौजवान सुहेल आबासी फाउ खाई खुदकशी कर छी। पोती के वारसन मूजिब नौजवान जो जहनी तवाजुन दुरुस्त न हो। हाला के रेलवे कॉलोनी के रिवासी खदरे फकीर आमिर उर्फ अनमोल फकीर पारा मोहब्बत में नाकामी थे खुदकशी की कोशिश अस्पताल मुंतकिल। ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप का बाहर थी पो। अफगानिस्तान सुपर एट मरले में दिलचस्प मुकाबले का पोए बंग्लादेश के शिकस्त दी छी। अफगान टीम पे भेरों टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची वही।